सेवा श्रद्धा व सौर्य का संगम दिखा नगर कीर्तन में। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित नगर कीर्तन में आगरा शहर के समस्त गुरुद्वारों ने हिस्सा लिया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा माईथान से शुरू होकर यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा बालूगंज में समाप्त हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी और गुरु के ताल का रंजीत अखाड़ा नगर कीर्तन का मुख्य आकर्षण रहा। गुरु महाराज जी की अरदास के साथ विशाल मंच से कार्यक्रम का उद्घाटन सरदार संतोख सिंह द्वारा किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की खुशी में नगर कीर्तन किया गया। प्रबंधक कमेटी द्वारा नगर कीर्तन के स्वागत के लिए छिपीटोला से भव्य सजा गुरुद्वारा साहिब तक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। इस दौरान हजारों का जनसमूह शामिल हुआ। अलौकिक पंथ के झंडे लहराते हुए विशाल सिंह द्वारा 1 किलोमीटर तक की भव्य रोशनी की गई। संगतों के लिए कई खाने पीने की स्टॉल व लंगर की सेवा की गई। गुरुद्वारा गुरु कताल के संत बाबा प्रीतम सिंह जी द्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान कवलजीत सिंह, सुखमनी सेवा सभा के वीर महेंद्र पाल सिंह, सभी गुरुद्वारों के प्रबंधक कमेटी के प्रधानों, संस्थाओं व गणमान्य शामिल हुए। लोगों को गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताया गया। वहीं बच्चों ने सवालों के जवाब भी दिए, जिसमें 11 बच्चों को उपहार देकर प्रबंधक कमेटी द्वारा विशाल मंच पर गुरु का सरोपा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। और नए साल के अपना नगर कीर्तन का आयोजन किया है, जो गुरुद्वारा माईथान से होकर के बालूगंज आया है। इसमें पूरे आगरा की और आसपास की क्षेत्र बहुत भरपूर कर हिस्सा लिया है और बहुत ही भव्य रूप से इस कीर्तन का स्वागत संत बाबा प्रीतम सिंह जी की सरपरस्ती में धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश खुशी में आगरा में जो एक विशाल नगर कीर्तन निकाला जाता है, वो नगर कीर्तन निकाला गया है सिंह सभा गुरुद्वारा माईथान से आरंभ होकर आज बालूगंज गुरुद्वारे में इसकी भव्य स्वागत किया जा रहा है। और उसी उपलक्ष्य में समूह साध संगत आगरा जी ने यहाँ पे उनके स्वागत का पूरा इंतजाम। संगत ने गुरु महाराज का अटूट लंगर ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य संतोख सिंह प्रधान, इंद्रजीत सिंह गुजराल, राजेंद्र पाल सिंह, गुरु सेवक श्याम भोजवानी, इंद्रजीत सिंह गुजराल आदि गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। मून न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।